दोस्तों इस बजरी को क्या हुआ है, यदि आप सभी को पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल दोस्तों 3 बच्चे अचानक एक्सपायर हो गए, जिसमें एक फीमेल जो बीमार थी दोस्तों वो भी एक्सपायर हो गई है। और 2 बच्चे मेरी ब्रीडिंग कॉलोनी में जो बच्चे निकले थे दोस्तों, अभी लगभग 50 दिन होने वाले थे, अचानक ये भी एक्सपायर हो गए। पता नहीं क्यों, क्योंकि गर्मी मुझको लग रहा है ज़्यादा पड़ रही है, इस वजह से ये दोनों बच्चे एक्सपायर कर गए हैं। और भी उसमें 2-3 बच्चे एक्सपायर होने के चांसेस हैं दोस्तों, तो जल्दी से वो भी चेक करेंगे। अगर होते हैं एक्सपायर तो आप सभी देख सकते हैं कितने ज़्यादा बच्चे एक्सपायर होते हैं दोस्तों। कोई व्यक्ति भी नहीं बताता है जो ब्रीडिंग कराता है दोस्तों, और कितने ज़्यादा डेली बच्चे मरते हैं, 2-3-4, ऐसी स्थिति में रोज़ डेली बच्चे एक्सपायर होते हैं दोस्तों। और भी दिखाते हैं, बहुत कुछ है कॉलोनी में। देखे थे अभी जस्ट सुबह का समय है, और मैं जब कॉलोनी में गया तो एक बच्चा ये भी मरा हुआ था दोस्तों, तो इसको मिलाकर लगभग मेरे 4 बच्चे एक्सपायर हो गए हैं दोस्तों। और एक कंफर्म ब्रीडिंग पेयर था उसकी, इसके बच्चे भी रखे हुए थे दोस्तों, लेकिन अचानक पता नहीं इसको क्या हो गया और ये कल सुबह ज़मीन पर गिर गई और ये बिल्कुल भी उड़ नहीं पा रही थी। और इसे मैंने एक छोटे से केज में रख कर मेडिसिन दी, लेकिन कोई असर नहीं करी मेडिसिन दोस्तों, और ये भी एक्सपायर हो गई। और इसके बच्चे मैंने कहीं और शिफ्ट कर दिए दोस्तों। और ये बच्चा एक निकल रहा था कॉलोनी में और ये बिल्कुल ठीक था कल दोस्तों, और आज ये भी अचानक एक्सपायर हो गया है। और इसके साथ का एक बच्चा और था, वो भी दोस्तों एक्सपायर होने के चांसेस हैं, लेकिन उसको मैंने कॉलोनी में छोड़ दिया था, तो वो धीरे धीरे चलता फिरता है, तो उसे कोई ना कोई फीड करा देता है, इसलिए इस वजह से वो दोस्तों बचा हुआ है। और दिखाते हैं फिर, बहुत ही बुरा लगता है दोस्तों, इतने ज़्यादा हमारे बच्चे कॉलोनी के मरते हैं दोस्तों। और मैं बहुत ही कम बजरी सेल करता हूं दोस्तों, बहुत ज़्यादा एक्सपायर होते हैं बच्चे दोस्तों।